जय श्री कृष्णा। अगर जीवन में कोई समस्या है और नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो श्री कृष्ण की यह कहानी अवश्य सुने। एक बार श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे, तभी अचानक अपने माँ से बोले, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, बस कुछ ही समय में आता हूँ। माँ बोली, अभी तो तुझे बहुत भूख लगी थी, अचानक तू कहाँ जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोले, बस अभी आता हूँ। वो तुरंत गए और तुरंत आ भी गए। तब उनकी माता ने बोला कि इतनी जल्दी में कहाँ गए थे? भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरे एक भक्त को बहुत से लोग पत्थर से मार रहे थे और वो मार खाते हुए भी कह रहा था, तेरे रहते मुझे क्या फिक्र, क्योंकि जो मुझे मार रहे हैं उनमें भी तू है, जिसके सर से खून निकल रहा है उसमें भी तू है, हर जगह तेरा ही रूप है, फिर मुझे क्या फिक्र, तू जाने तेरा काम जाने। श्री कृष्ण ने माँ से आगे कहा, माँ मेरे प्रति ऐसा समर्पण देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। माँ ने पूछा, फिर तू इतना जल्दी कैसे वापस आ गया? श्री कृष्ण बोले, मेरे पहुँचने से पहले उसने भी पत्थर उठा लिया था और अब वो लोगों को वापस मार रहा है। जब उसने परिस्थिति अपने हाथ में ले ली है, फिर मेरा वहां क्या काम, इसीलिए मैं वापस आ गया। कहानी से सीख, अपने जीवन में सच्चाई के साथ लगातार मेहनत करते रहो और पूरी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दो कि अब तू जान तेरा काम जाने, तुझे जो देना होगा दे देना। मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहूंगा और यकीन मानो, जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद, ईमानदार रहने के बाद सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, उसकी मदद करने तो भगवान खुद आते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगली बार कोई मारे तो भगवान का आने का इंतजार करेंगे, न कि खुद कोई एक्शन लेंगे, लेकिन कहानी का यह मतलब बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का यह अर्थ है कि मेहनत करते रहो, सच्चे रहो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मुश्किल को हर ले। ऐसी और श्री कृष्णा की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।